चार मार्च को होने जा रहा है क्लास 10 की बच्चों का साइंस का पेपर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के जो है चैप्टर वाइज ऑल जो है एमसीक्यू के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एक एक नंबर के सवाल जो है बोर्ड पूछ चुकी है, किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन को चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में टॉप जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं टॉप लेवल के, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम आप लोग के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो साइंस का आप लोग का दोस्तों पहला चैप्टर कौन सा है? तो साइंस का आपका पहला चैप्टर है दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला सवाल जो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये 2020 में आप लोग को सीबीएसई बोर्ड ने यहां पे पूछ रखा है। इसमें से आपको बताना है दोस्तों यहां पे जो है चार जो आपको यहां पे रिएक्शन हो रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। यहां पर आप लोग को दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। फटाफट दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपने दोस्तों इसका सही आंसर सोचा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। काफी इजी सवाल है, मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको आंसर देना शुरू करूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगेन आप लोग देख सकते हैं ये बैलेंसिंग वाला आपको यहां पे सवाल है। आपको दोस्तों यहां पे बैलेंस करना है और आपको बताना है दोस्तों यहां पे आपको जो है सिंपली सवाल क्या है। सवाल ये है कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और फॉर्म क्या हो रहा है, यानी क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब इसमें दोस्तों आपको जो है यहां पर अलग अलग जो है आपको रिएक्शन दिया गया है, इसमें कौन सा बैलेंस वाला इक्वेशन है आपको इसमें पहचानना है। बैलेंसिंग से दोस्तों सवाल जरूर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सही सोचा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि दोस्तों ये सवाल भी आपका बैलेंसिंग से है। यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों बैलेंसिंग वाले जो टॉपिक है यहां से दोस्तों काफी सारे सवाल बनते हुए दिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप लोग का बैलेंसिंग टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां पे आपको दोस्तों इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। यहां पे आपको नंबर दिया गया है 3, यानी एक्स की जगह 3 रखेंगे और वाई की जगह 5 रखेंगे तब ये बैलेंस हो जाएगा, या फिर 8 रखेंगे 6 रखेंगे तब बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग जो है जल्दी से इसका जान लीजिए। अगर आपने मेरे से पहले आंसर दे दिया है तो नीचे कमेंट में लिखिए। अगर नहीं दे पाए हैं आंसर दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर यहां पे सी। ये जो है यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगले दोस्तों क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आपको दोस्तों यहां पे अगेन जो है आपको पूछ रहा है कि क्या कंपाउंड जो है ऑब्टेन होगा जब हम आयरन को जो है स्टीम के साथ जो है रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो क्या होने वाला है, अगर आपने सोचा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल भी दोस्तों आपके 2020 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों आप लोग यहां पे टिक मार्क कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। उससे पहले दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो अगर नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज यानी वेबसाइट पे आप लोग आ जाएंगे। अब वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिख जाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके जो है एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपने सही आंसर दिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे से पहले दोस्तों आप लोग आंसर देने की ट्राई करिए, क्योंकि इसी टाइप के दोस्तों आपके चैप्टर से जो है सीबीएसई बोर्ड सवाल पूछती है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सवाल है, यानी बोर्ड इसे पूछ चुकी है। तो आप लोग यहां से आइडिया भी ले सकते हैं कि किस टाइप का सवाल जो है आपको एक एक नंबर में यहां पर बोर्ड पूछेगी। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग यहां पर टिक लगा लीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर भी दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा। तो आप लोग को दोस्तों यहां पे रिएक्शंस दे रखा है और आपको दोस्तों बताना है ये रिएक्शन जो है क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे जो आपका होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे आपका जो होने वाला है वो दोस्तों यहां पे होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है आप लोग यहां पे टिक मार्क कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो आप लोग टिक कर लीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है 8 पे बढ़ते हैं। तो 8 का आंसर दोस्तों जो करेक्ट होने वाला है आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन पूरा एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर सारे ऑप्शन देख लीजिए। 2020 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब आपको दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, तो इसे आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के भी सवाल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछती है, रिएक्शन वाले सवाल दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एक नंबर में किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो ऐसे ही दोस्तों आपको 4 मार्च में भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ेंगे दोस्तों।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी है, इसे आप लोग टिक मार्क कर लीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं चैप्टर टू पे, एसिड बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर में दोस्तों बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने सही आंसर सोचा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से पहले दोस्तों आप लोग आंसर निकालिए और इस आंसर को जो है नीचे कमेंट में लिखिए, फिर मैं देखता हूँ किस बच्चे का जो है सबसे ज्यादा राइट आंसर आता है। और जो बच्चे दोस्तों सबसे ज्यादा राइट आंसर, यानी जो बच्चे दोस्तों सबसे ज्यादा राइट आंसर या फिर सभी क्वेश्चन का जो बच्चे राइट आंसर देंगे उनका कमेंट को जो है पिन कर दूंगा। तो आप लोग दोस्तों राइट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने सारे बच्चे दोस्तों यहां पे राइट आंसर दे पाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या है तो नीचे फटाफट दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे से पहले आंसर को निकाल लिया है, अगर नहीं निकाल पाए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको जो है इसका राइट आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे टिक मार्क कर लीजिए। अगेन दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, तो आप लोग इसे यहां पे इसे टिक मार्क कर लीजिए। अब अगेन दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो इस क्वेश्चन नंबर फोर में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिक साल्ट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए काफी इजी सवाल है दोस्तों, इसी टाइप के आपको सवाल जो है सीबीएसई बोर्ड घुमा के पूछेगी। तो आपको दोस्तों ये सारी टॉपिक्स क्लियर होगा, तो आप लोग जो है टॉपिक क्लियर होगा तभी दोस्तों आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये सवाल दोस्तों आपका सैंपल पेपर का सवाल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 19-20 का सैंपल पेपर का सवाल है। तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने सही आंसर सोचा है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, तो आप लोग यहां पे टिक मार्क कर लीजिए। अगेन दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों मैं चाहूंगा इस क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोग दीजिए ही नीचे कमेंट करके। मैं चाहूंगा इसका आंसर आपको नहीं बता रहा, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइए। देखते हैं दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, एक बार पहला मैंने आपको दिया, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं। देखता हूं कितने सारे बच्चे जो है यहां पे करेक्ट आंसर देते हैं। चैप्टर 2 का दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। चैप्टर 3 में दोस्तों बढ़ते हैं, तो चैप्टर 3 में दोस्तों मेटल एंड नॉनमेटल का सबसे पहला सवाल, इसका राइट आंसर दोस्तों जो यहां पे होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग यहां पे टिक मार्क कर लीजिए। अगेन दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले चैप्टर पे, कार्बन एंड इस कंपाउंड। दोस्तों ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 3 में वहां पे बड़े नंबर के सवाल है, तो उसको लेकर दोस्तों एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा जहां पे सारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग के पीवाईक्यू को कवर कर रहा है, जो आप लोग के एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए। कार्बन एंड इस कंपाउंड में दोस्तों बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए होगा, काफी ज्यादा इजी सवाल ये भी है दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। अगेन दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पे राइट आंसर दोस्तों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, तो इसे आप लोग टिक कर लीजिए। 2017 में यानी प्रीवियस ईयर 2017 में दोस्तों दिल्ली के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर ए होगा, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगेन दोस्तों यहां पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसे आप लोग यहां पे टिक मार्क कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है यहां पे केमिस्ट्री के जो है जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन दोस्तों इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को। जय हिंद दोस्तों।